काम चल रहा है, कितना काम हुआ थोड़ा विस्तार से बताएं। हालांकि आप सबसे मुलाकात की थी। नए भारत की बुलंद तस्वीर आपको इस टनल से देखने को मिलती है जो मुंबई कोस्टल रोड का एक हिस्सा है। मुंबई वालों के लिए, देशवासियों के लिए और दुनिया के लोग जो मुंबई आते हैं, एक बहुत बड़ी सुविधा एनडीए की सरकार के द्वारा दी जा रही है। 11 किलोमीटर का ये स्ट्रेच, जहां एक और कभी 45 मिनट से ज्यादा समय लगता था, अब मात्र 7-8 मिनट रह जाएगा। ये जो टनल आप देख रहे हैं, 2 किलोमीटर जाने की, 2 किलोमीटर आने की टनल, यहां 3-3 लेन होगी, यानी कि कुल मिलाकर 6 लेन हो जाएगी। अब ये अपने आप में दिखाता है कि मुंबई वालों को कितनी बड़ी सुविधा है। मैं पहाड़ों से आता हूं, मैंने देखा है अटल टनल जो 10,000 फीट की हाइट पर दुनिया की सबसे लंबी टनल मोदी सरकार ने बनाकर दी है। वहीं पे मुंबई कोस्टल रोड आज जो मुंबई में यहां पर बन रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है, नए भारत की बुलंद तस्वीर है। 12,721 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और सुविधाओं से लैस ये एरिया, जहां पर पार्क्स बनेंगे, ऐसी सुविधाएं होंगी, लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ये केवल आने जाने की सुविधा नहीं, लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। स्टूडेंट्स या बाकी लोग भी आके देखेंगे कि हमारे मुंबई में ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बना, उनके पीछे बनाने वाले सारे इंजीनियर्स और मजदूर जितने खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई की बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त मुंबई को पिछली एनडीए सरकार ने दिए थे, चाहे मेट्रो की बात करें, आपने स्वयं कल पोरबंदर गए थे, ब्रिज का आपने वहां पर काम देखा है, इस प्रकार से इन प्रोजेक्ट्स काम पूरा होते हुए सरकार की मंशा पूरी। देखिये, मैं 1994 से लेकर 2023 तक मुंबई आ रहा हूं और लगभग 3 दशकों में मैंने देखा, पहले 2 दशक तो ऐसे गए कि शायद ही कुछ हिलता था, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने काम करना शुरू किया। आप मेट्रो की गति को देखिए, आप कोस्टल रोड की गति को देखिए, आप ये बड़े प्रोजेक्ट जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते भी हैं, बड़ा करने की हिम्मत भी रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के समय ही होता है, लेकिन लाभ देश को और स्थानीय लोगों को होता है। मैं इतना ही कह सकता हूं, हमारा मुंबई और सुंदर बनेगा और सुरक्षित होगा, सेवाएं से लैस होगा, और ये जो सड़कों के आगमन के लिए इसमें और भरपूर सुविधाएं होंगी। जिस तरह से विपक्ष ने लगातार आरोप कर रहा था कि बीजेपी जो सरकार में कोई काम नहीं कर, लेकिन ये कहीं ना कहीं विरोधियों को कड़ा जवाब है, जिस तरह से काम तेजी से चल रहा है। देखिए, पालघर जाते हुए कल आपने देखा होगा कि वर्सोवा लिंक के ऊपर जो पुल है, वहां के लोग बता रहे थे कि 1.5-2 घंटे तो आम यहां पर प्रतिदिन जाम लगा रहता था, समय बर्बाद होता था। आज वो 1.25 घंटे जाम नहीं है, आज मात्र 3 मिनटों में आप पुल के इस ओर से दूसरी ओर पहुंच जाते हो। ये अपने आप में नए भारत की बुलंद तस्वीर है।